हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आजकल आपको हर घर में दवाई देखने के लिए मिल ही जाएंगी, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है और फिर दिनचर्या ऐसी है कि बीमारियां हर घर में अक्सर होती ही हैं। लेकिन हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें और आपको कभी दवाइयों की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ दवाई ऐसी होती हैं कि एक्सपायर हो जाती हैं और कुछ का यूज़ नहीं होता है, तो वो रखी रखी वैसे भी बेकार हो जानी है, तो उनका प्रयोग आप प्लांट्स में भी कर सकते हैं। वैसे तो हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में यूज़ नहीं करते हैं, केवल काउडंग यानी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। और आपको भी सलाह देते हैं कि आप देसी खाद का प्रयोग करें। गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ये जो सब्जियों के फलों के छिलकों से घर पर आप किचन वेस्ट मैन्योर बनाते हैं वो है, या लिक्विड फॉर्म में और भी देसी तरह से तैयार किया गया खाद होता है, तो वो आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको भी तो हमको फेंकना ही होता है। जो बेकार दवाइयाँ हो जाती हैं, जिनका यूज़ नहीं होता है या एक्सपायर हो जाती हैं, उनको आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और इसको पाउडर फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आपके यहाँ पेट्स हैं यानी जो जानवर वगैरह अगर आपके यहाँ हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको इनसे थोड़ा दूर ही रखना है और इनको इस तरह से आपको प्लांट्स में यूज़ करना है कि उनकी पहुँच से दूर ही रहें। तो इसको देखिए, इस तरह से मिट्टी में आपको काफ़ी अंदर ढक देना है, तो इससे बच्चों की और जानवरों की पहुँच से भी ये दूर रहेंगे और प्लांट्स में भी काम कर जाएंगे और आपको इनको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे काम तो नहीं करेंगे कि आपको तुरंत ही रिजल्ट दे दें, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आपके प्लांट्स में इनसे थोड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई बेकार चीज़ है तो उससे आपके गार्डन में कोई फायदा मिल जाए तो अच्छा ही है, नहीं तो मिट्टी में तो ये मिल ही जानी है। वैसे भी आप फेंकेंगे तो भी ये मिट्टी में मिल ही जाएगी, तो इससे बढ़िया है कि आप अपने प्लांट्स में इनको यूज़ कर लें और जड़ों से थोड़ा दूर यूज़ करें। प्लांट्स का जो मेन रूट बॉल होता है, उससे कोई भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी आप पौधों में अपने दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है या कुछ भी है, थोड़ा जड़ों से उसको दूर ही रखिए, क्योंकि अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो मेन रूट बॉल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स थे, मेनली तो हमने वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ये जो गोलियाँ हैं ये इस तरह से सॉइल से कवर कर दी हैं। आजकल एक और सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है कि क्या हम पौधों में फर्टिलाइज़र दें या ना दें। तो अभी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में बारिश का पानी पौधों में बहुत अच्छे से काम करता है और आपने पिछले दिनों जो खाद दिया है वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा, क्योंकि बारिश का पानी जैसे जैसे धीरे धीरे मिट्टी में जाता जाता है वैसे वैसे जो आपने खाद दिया है वो रिलीज़ होता जाता है और अपना काम करता जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत टाइम हो गया है प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड किए हुए, तो आप केवल देसी खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काउडंग या वर्मी कंपोस्ट, और इसी से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में अभी रेनी सीजन चल रहा है तो लिक्विड फॉर्म में आपको देना कोई सही बात ये नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे भी जो मिट्टी है वो नम है, तो इससे अच्छा है कि आप सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में आप फर्टिलाइज़र दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो धीरे धीरे रिलीज़ होगा। अगर आप इस समय लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो वो इतना सही नहीं है, मिट्टी में ऑलरेडी नमी है। जब हम लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं और मिट्टी सूखी हुई होती है, पहले हम आपको बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको पानी नहीं डालना है, वो इसीलिए क्योंकि जब मिट्टी सूखी होगी आप उसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देंगे, फिर बाद में आप ऊपर से उसमें हल्की हल्की वाटरिंग करेंगे, तो वो पौधों की जड़ों तक अच्छे से असर करता है। और अब पौधों की जड़ें पहले ही नम है, गीली है, मिट्टी गीली है, तो इसमें लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना सही नहीं है। तो आप इस समय काउडंग दे सकते हैं यानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किनारे किनारे डाल दीजिए। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि फिर बाद में उससे गर्माहट रहेगी पौधों में, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा किनारे किनारे डाल दीजिए, आपके पौधों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी हमने फिर पानी देने से पहले ये काम किया था और देखिए अब बाद में इसमें पानी दे रहे हैं। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हैं पहले आप पानी ना दें, पानी हमेशा पौधों को बाद में देना है, पहले फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि इससे जब आप पानी देंगे तो वो अपना काम खाद पौधों में सही से कर पाएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछेगा। थैंक यू।